मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 पार्ट 3 क्वेश्चन 6 और 7। और प्रश्न को मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ और सीधे हम टॉपिक पे आते हैं जो प्रश्न हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स एट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। मतलब करा एक कमरा है जिसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है और कमरे का तापमान एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस लोअर्ड माने नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगेंस। कह रहा है कि ये प्रक्रिया प्रारंभ होने के 10 घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो, सिंपल सी बात है कि अभी रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा, तो 10 आवर में कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, घट जाएगा। यहां लिखिए टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर, मतलब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो कमरे का तापमान अभी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस से माइनस हो रहा है, कम होने का मतलब माइनस होना, घट जाना। अब ये घंटे में कितना घट रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 हो गया, कितने घंटे बाद टेम्परेचर बताना है, आफ्टर 10 आवर, मतलब 10 घंटे बाद। तो यहाँ 5, एक घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा, तो 5 × 10, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 × 10 = 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 5 × 50 होता है, इसको पता ही है। तो 40, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 50 से 40 प्लस माइनस सिंबल क्या है, अलग अलग है, तो घटेगा ही, तो 50 से 40 जाएगा तो आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब देखो 50 ज्यादा है और आंसर हमेशा अधिक में आता है, तो 50 के सामने माइनस है, तो -10 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 5 × 10 = 50, 40 है तो 50 डिग्री नीचे जा रहा है, तो 40 से 50 जाएगा तो -10 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग, कह रहा है किसी कक्षा में टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न को रखा गया, टोटल कितने प्रश्नों को रखा गया, 10 प्रश्नों को, ठीक है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब प्रत्येक सही प्रश्न पर 5 नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, अवार्डेड। एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और उसके बाद में 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं अगर आपका क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट, मतलब गलत है। अगर सही है, कुल टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10, अगर सही क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन सही जाता है तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा, और अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 2 नंबर आपका घट जाएगा। तो आगे कह रहा है एंड 0 पार क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आप कोई प्रश्न नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो यहां प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर पहला, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। करा मोहन जो है ना, वो 6 प्रश्न कर, मोहन जो है 4 प्रश्न करता है सही और 6 प्रश्न करता है गलत, तो उसका कुल स्कोर कितना होगा। तो देखो टोटल स्कोर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो कितना सही कर रहा है, 4 क्वेश्चन, तो एक सही जाने पर 5 नंबर, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कितना सही कर रहा है, 4, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो घटेगा,
एक इनकरेक्ट पर माइनस कर देते हैं, एक इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मीन्स गलत, एक गलत पर कितना नंबर कटेगा, दो नंबर, यहाँ देखिए दो नंबर कटेगा, तो दो, अब कितना इनकरेक्ट कर रहा है, इनकरेक्ट कर रहा है छह क्वेश्चन, तो दो गुणे छह, ठीक है ना, एक क्वेश्चन का पांच नंबर सही, तो चार क्वेश्चन का कितना, तो 5×4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी कर रहा है, तो जब गलत कर रहा है तो घटेगा, तो कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होने पर दो नंबर घटेगा, क्वेश्चन कितना गलत कर रहा है, छह, तो गुणे छह हो गया, तो 5×4=20 माइनस 2×6=12, अब 20 से 12 जाएगा तो 8, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ना कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रेशमा गेट्स टू करेक्ट आंसर, रेशमा जो है ना वो दो क्वेश्चन सही करती है, एंड गिव इन करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 क्वेश्चन गलत लिखती है, यानी टोटल क्वेश्चन कितना करती है, 7, 7 प्रश्न करती है, जिसमें से दो प्रश्न सही करती है और 5 प्रश्न गलत करती है। व्हाट इज हर स्कोर, करा उसका कितना स्कोर होगा, मतलब ऑब्टेंड मार्क कितना होगा, कुल कितना नंबर पाएगी, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर, अब देखो अगर एक क्वेश्चन सही करती है तो कितना नंबर पाएगी, 5 नंबर, ठीक है कि, तो 5 नंबर एक प्रश्न का हो गया, कितना प्रश्न सही करती है, 2 करेक्ट, दो प्रश्न सही करती है तो गुणे दो हो गया, अब घट जाएगा, अब ये क्वेश्चन अगर गलत करती है तो दो नंबर घटेगा, तो माइनस दो, अब देखो गलत कितना कर रही है, गलत कर रही है 5 क्वेश्चन, तो इनटू 5 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करेक्ट है एंड 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट, तो 2×5, तो 5×2=10 माइनस 2×5=10, 10×10 जाएगा 0, ये हो गया आपका आंसर, कहने का मतलब है वो 0 नंबर पाएगी, ठीक है ना, कितना पाएगी, 0 नंबर पाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, हीना गेट्स टू करेक्ट, कह रहा है हीना जो है 10 क्वेश्चन सही करती है एंड 5 इनकरेक्ट, और 5 क्वेश्चन गलत करती है, ठीक है ना, हीना गेट्स टू करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, कह रहा है 7 प्रश्नों में से, ये थोड़ा दोनों प्रश्न एक जैसा है क्या, एक मिनट रुकिए बुक में देख लेते हैं, दूसरा नंबर लिया रेशमा 5 करेक्ट आंसर और 5 इनकरेक्ट, ठीक है 5 करेक्ट आंसर है, अच्छा हाँ 5 लिखा ही था, ये 5 करेक्ट आंसर है, कितना है 5 करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×5=25 हो जाएगा, और 25 से 2×5=10 जाएगा, तो कितना आएगा 15, सॉरी ये इसका आंसर 15 आएगा। तीसरे नंबर में दिया है कि दो क्वेश्चन सही करती है और 5 क्वेश्चन गलत करती है, तो टोटल कर रहा है व्हाट इज हर स्कोर, लास्ट में उसे कुल कितना मार्क्स मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे टोटल, टोटल स्कोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सही पर कितना, 5 नंबर, तो कितना सही है, सही इसका दो क्वेश्चन है तो इंटू 2, यहाँ देखो दिया है 2 करेक्ट, ठीक, तो बोले दो, माइनस एक गलत पर कितना कटेगा, दो नंबर कटेगा, तो दो, कितना गलत कर रही है, 5 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन गलत कर रही है, 5 क्वेश्चन, 10×5 हो गया, अब 5×2=10 माइनस 2×5=10 और 10×10 जाएगा 0, ये हो गया आंसर, कहने का मतलब है हीना का स्कोर 0 होगा, ठीक है ना, हीना का स्कोर कितना होगा, 0 होगा, रेशमा का स्कोर कितना होगा, 15 होगा, और मोहन का स्कोर कितना होगा, 8 होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रयास किया आपको समझाने के लिए अच्छे से, आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो में कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, मतलब आपको स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो, या आवाज में कहीं भी कोई समस्या है, या आप इस क्वेश्चन को बताने में, एक्सप्लेनेशन करते समय, समझाते समय अगर कहीं पर कोई समस्या आई हो या कहीं पर कोई डाउट रह गया हो,